उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड के यमकेश्वर में सीएम योगी के आंसू छलक गए। यूपी के सीएम अपने गुरु को याद कर भावुक हो गए। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अपने माता पिता और गुरु का जिक्र किया और इस दौरान उनकी आंखें भर आईं। सीएम ने कहा, अपने गुरु की भूमि पर उनका सम्मान करके बेहतर अनुभव कर रहा हूँ। सीएम योगी ने कहा, महंत अवैद्यनाथ जी इस भूमि के थे। वो अक्सर पूछते थे कि यमकेश्वर में शिक्षा की कैसी व्यवस्था चल रही है। इस इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं था, लेकिन महंत जी ने डिग्री कॉलेज बनाने को कहा था। आज यहां दान की जमीन पर राजकीय महाविद्यालय चल रहा है। उत्तराखंड में गुरु को याद कर सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए। आज पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे। 5 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे तो भावुक हो गए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के पचूर गांव में कदम रखा तो उनके मन में वो तमाम यादें ताजा हो गई जो उनके बचपन से जुड़ी हुई थी। बता दें, संन्यास के करीब 28 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर में रात बिताएंगे। योगी से मिलने के लिए उनकी 3 बहनें पहले ही घर पहुंच चुकी हैं। उनके 3 भाई भी घर पर हैं। सीएम योगी अपने रिश्तेदारों से भी मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 से 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 3 मई को सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद रात्रि विश्राम अपने पैतृक गाँव पंचूर में करेंगे। सीएम योगी 5 मई को पंचूर में पैतृक घर पर अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 मई को योगी आदित्यनाथ के पारिवारिक कार्यक्रम को गुप्त रखा गया है। यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने पूरे घर पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 मई को योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और उत्तराखंड पर्यटन के होटल अलकनंदा का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साधु संतों द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। वहीं 5 मई को योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे।